अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिर्ज़ा रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम आर रहमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक सिलसिला शुरू किया रावलपिंडी संभाग के मुख्तलिफ हाउसिंग सेक्टर्स का विज़िट करवाने का। हमने मुख्तलिफ हाउसिंग सेक्टर्स का विज़िट भी करवाया, लेकिन हमारे फ़ोन कॉल्स पे और कमेंट्स में लोग नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि कोई सस्ता हाउसिंग प्रोजेक्ट दिखाएं इस्लामाबाद में जो संभाग शहर के अंदर भी हो। तो इस वक्त मैं एक इस्लामाबाद व्यू नाम की सोसाइटी है इसके अंदर मौजूद हूँ। ये बिल्कुल इस्लामाबाद के शहर जो है उसके बिल्कुल अंदर ये आती है। अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा सराउंडिंग एरिया का बताऊँ, थोड़ी लोकेशन का अगर मैं आपको समझाऊँ, तो पिंडी वाली साइड से शुरू करते हैं। मेरा अगर आपको दिखा दूँ तो वो आपको जो गोल करल का एंटीना टाइप नज़र आ रहा होगा वो आपका आर्मी पब्लिक स्कूल है। ये आपका सारा मसीहार रोड चल रहा है यहाँ पे। ये आपका इस नुक्कड़ पे जो है आपका बाटा चौक आ जाता है। ये सारा मसीहार रोड है और जो आगे सदर की तरफ जा रही है। अगर मेरी राइट साइड पे आप आ जाएं तो वो जो आपको छोटा सा मीनार नज़र आ रहा होगा, वो छोटा सा जो मीनार है वो मस्जिद है, मस्जिद का मीनार है। जो मस्जिद आपका जो पेशावर रोड है चूड़ चौक सदर से जो आ रहा है, चूड़ चौक आगे पीर वधाई मोड़ की तरफ जा रही है, ये वो है। और अगर थोड़ी और इस तरफ आ जाए तो वो आपको रेड कलर की जो बिल्डिंग नज़र आ रही होंगी, छोटी छोटी उसकी आपको विंडोज़ नज़र आ रही होंगी, ये आपकी रिफा यूनिवर्सिटी है जो I-14 में आती है, ये वो है। इसके साथ ही आपको कैद आज़म हॉस्पिटल की बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, वो कैद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। और ये जो रेड कलर की मार्की है, रेड कलर की मार्की के सामने जो सारे घर बने हुए हैं ये CDA सेक्टर I-14 है। बिल्कुल इसके साथ ही एच पे जो है आपका CDA सेक्टर I-14 आ जाता है, उसके साथ ही आपका इस्लामाबाद व्यू आ जाती है। जी इस्लामाबाद व्यू जो है ये रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड में आती है। आपका ये जो सारा लैंड है ये रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड में है। यहाँ पे आपको अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मिल जाती है। गैस का थोड़ा सा इशू है, इंशाल्लाह नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में यहाँ पे गैस भी जो है वो आ जाएगी। प्लॉट्स की कटिंग की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 5 मरला, 7 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स हैं। तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। ये मस्जिद आप देखें, ये मस्जिद यहाँ पे बन रही है बिल्कुल इसके साथ ही, ये मस्जिद है। और एक मस्जिद ये मेरे लेफ्ट साइड पे भी है जिसका आपको ये मीनार नज़र आ रहा है। तो तमाम फैसिलिटीज़ हैं, ये तमाम प्लॉटिंग यहाँ पे होगी। ये जो आपको नीचे ग्रीन एरिया सारा नज़र आ रहा है ये सारे लोगों के प्लॉट्स हैं, कईयों के जो इस तरह पूरे पूरे प्लॉट्स हैं जिनका जो पूरा आपको खेत नज़र आ रहा है ये एक ही बंदे का होगा। बाकी आप देख सकते हैं मेरे नीचे भी सारा यहाँ पे प्लॉटिंग वगैरह सारी हुई हुई है और घर यहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ बन रहे हैं। यहाँ पे आपको बताऊँ, यहाँ पे जो लोग घर बनाते हैं उसका जो मैप है वो रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड से जो है वो अप्रूव्ड होता है। उनके नुमाइंदे आते हैं, वो यहाँ पे आके आपका प्रॉपर जो मैप है उसके चेक करते हैं घर के, आपका यहाँ पे घर बन भी रहा है कि उस तरीके से बन रहा है जो आपने मैप अप्रूव करवाया हुआ है या उस पर नहीं बन रहा। तो वो सारा जो प्रोसीजर है वो रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड में करती है। इस वक्त मैं जो, मुझे 2550 का घर है इसके ऊपर मौजूद हूँ। ये घर हम बना रहे हैं यहाँ पर इस्लामाबाद व्यू में। अभी आपको इसका भी थोड़ा सा विज़िट करवाते हैं। अगर रावलपिंडी संभाग में आप भी अपने घर की कंस्ट्रक्शन या रिनोवेशन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा ये प्रोजेक्ट भी आप विज़िट कर सकते हैं। अगर आप I-14 या इसके सराउंडिंग में है I-15 वगैरह में, तो आपको ये प्रोजेक्ट हम जो है विज़िट भी करवा सकते हैं। अभी शुरू करते हैं, आपको सारा सोसाइटी का विज़िट करवाते हैं, संभाग व्यू का। मसीहार रोड से शुरू करते हैं, पहले आपको मसीहार रोड दिखाते हैं, उससे फिर आगे आपको सारी डिटेल इसकी गलियों का और इसकी जो मस्जिद है वो तमाम डिटेल्स आपके साथ वीडियो में शेयर करते हैं। व्यूअर्स, ये मसीहार रोड है जो सदर की तरफ जा रही है, आगे चूड़ चौक और सदर की तरफ। और ये जो साइड है यहाँ से ये गाड़ियाँ आ रही हैं, ये आपका बाटा चौक और CDA सेक्टर I-14 से आ रही हैं। CDA सेक्टर बिल्कुल साथ ही है, 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको CDA मिल जाता है। यहाँ से जो है इस्लामाबाद व्यू की तरफ हम जो है वो जाएंगे। ये इस्लामाबाद व्यू का आप गली देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये प्लाजा बन रहा है राइट साइड पर, और लेफ्ट साइड पे जो है ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पे घर शहर बने हुए हैं। प्लॉट्स की कटिंग की जो मैंने बात की वो 5 मरला है, 7 मरला, 10 मरला और कनाल। तो प्रॉपर यहाँ पे गलियाँ बनी हैं, मेंटेन है, तमाम चीज़ें यहाँ पे बनी हैं, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे है, आपको गैस यहाँ पे इस एरिया में जो है वो गैस मिल जाती है, और अंडरग्राउंड आपको वाटर सप्लाई भी मिल जाती है, बोरिंग की फैसिलिटी जो है यहाँ पे मौजूद है। तो गलियाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी गलियाँ हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली आगे जो एरिया जहाँ पर हम अभी जाएँगे वहाँ पर इन्होंने गैस के पाइप लाइन डालने के लिए इस गली को जो है वो थोड़ा सा खुदाई की है जी, आप देख सकते हैं राइट साइड पर नीचे, यहाँ से वो पाइप लाइन जो है वो आगे ले गए। तो यहाँ से हम जो है इस्लामाबाद व्यू की तरफ जाएंगे। तमाम ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये इस्लामाबाद व्यू में ही आता है, ये तमाम घर जो हैं इस्लामाबाद व्यू में बने हुए हैं। तो आपको सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे मस्जिद यहाँ पे मौजूद है, आपको स्कूल यहाँ पे मिल जाता है,
मार्केट आपको बाइक मसीहा रोड पे बहुत बड़ी मार्केट है, वो आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि तमाम डिटेल्स आपको समझ में आए, आपको यहाँ पे प्राइस वगैरह, लोकेशन जो हम आपको यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, फैसिलिटीज़ आपको जो देना चाह रहे हैं, और जो यहाँ पे इन्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पे जो है वो ईज़िली जो है वो आपको समझ आ जाए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, आप कोई और फर्दर डिटेल लेना चाहें तो वो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट करके जो है वो ले सकते हैं। इस एरिया में, जिस एरिया में मैं अब आया हूँ, इस एरिया में गैस नहीं थी। अभी रिसेंटली यहाँ पे जी आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे नीचे जो नाली टाइप बनी है, अभी यहाँ पे इन्होंने गैस की पाइपलाइन डाले हैं, और गैस के कनेक्शन क्योंकि सर्दियों में वैसे ही बंद हो जाते हैं, तो गर्मियों में यहाँ पे जिन लोगों ने अपने डिमांड नोटिस लिए हुए थे उनको यहाँ पे गैस जो है वो मिल जाएगी। ये सामने इस्लामाबाद व्यू की एक मस्जिद है जिसका मीनार आप देख रहे हैं, मैं अभी आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, मस्जिद है इसकी, अभी थोड़ा और जूम करता हूँ। ये तमाम जो आपको घर वगैरह नज़र आ रहे हैं ये इस्लामाबाद व्यू में बने हुए हैं। तो आगे थोड़ा सा के साथ ही मिसियार रोड है जो आपका चूड़ चौक और भाटा चौक से आगे सदर की तरफ जा रही है। तो ये इस्लामाबाद व्यू में तमाम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रही है, बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। अगर आप भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में अपने घरों की कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे फोरम से जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे प्रोजेक्ट जो रावलपिंडी में बैरियर टाउन फेज़ 8 और मीडिया टाउन में है वो आपको हम विज़िट भी करवाएंगे। एक हमारा प्रोजेक्ट जो है इस्लामाबाद व्यू में भी है, वो भी आपको हम अभी थोड़ी देर में आगे जाके जो है वो विज़िट करवाते हैं। व्यूअर्स, अगर आप पेशावर रोड से इस्लामाबाद व्यू को अप्रोच करना चाहें तो इस रोड को यूज़ करते हुए आप इस्लामाबाद व्यू को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। गाड़ी पे भी आ सकते हैं, बाइक पे भी आ सकते हैं। पेशावर रोड से सीधा आप इस्लामाबाद व्यू में आ जाएंगे, आपको मिसियार रोड और बाटा चौक की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये रोड आपको जो है वहाँ से इस्लामाबाद व्यू में ले आएगा। ये तमाम जो एरिया है यहाँ से इस्लामाबाद व्यू जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ये आप जो सारी लैंड है वो इस्लामाबाद व्यू की है। तो ये गलियाँ अभी नीचे वाली साइड है, ये थोड़ी पहले ऊपर वाली साइड आपको दिखाई है, अभी फिर वहाँ पे आपको ऊपर भी लेके जाऊँगा। ये नीचे वाली साइड है, यहाँ पे गलियाँ थोड़ी जो हैं वो कच्ची हैं, ऊपर जो गलियाँ हैं वो सारी पक्की हैं। वहाँ पे आपको तमाम फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं, मिल तो यहाँ पे भी जाती हैं लेकिन यहाँ पे गलियाँ जो हैं वो कच्ची हैं। व्यूअर्स, ये जो मेरे राइट साइड पे सामने ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये मरकज़ सेहत है, डिस्पेंसरी आप यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, जो रावलपिंडी कैंटोनमेंट के अंडर आती है। यहाँ पे आपको डॉक्टर और कंपाउंडर वगैरह वो यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। ये इस्लामाबाद व्यू की आप कह लें कि मिनी हॉस्पिटल है यहाँ पे, जो आपको फर्स्ट एड आप कह लें या जो छोटे आपको जो मसाइल हैं वो यहाँ पे डॉक्टर यहाँ पे मौजूद होता है, आपको यहाँ पे मेडिसिन वगैरह मिल जाती हैं। ये इसका नीचे वाली साइड का कमर्शियल एरिया है, जी आप इसकी शॉप्स और इसका किराना की जो शॉप आप देख रहे हैं ये नीचे वाली साइड है। अभी हम ऊपर वाली साइड पे भी आपको लेके जाते हैं और वहाँ पे भी जो है आपको वो भी सारा विज़िट करवाते हैं। ये नीचे वाली साइड पर गलियों का थोड़ा सा इशू है। तो जी अब हम उसके जो दूसरा फेज़ है जो थोड़ा सा अप है, वो डाउन था जी अप है, तो यहाँ पर हम आ गए। यहाँ पे आपको गलियाँ जो हैं वो पक्की मिल जाती हैं। गैस यहाँ पे इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 to 6 मंथ में इस एरिया में जो है वो गैस भी आ जाएगी। तो जी इसकी आप जामिया मस्जिद देख रहे हैं जो बन रही है यहाँ पे, इसका भी काम जो है बहुत तेज़ी के साथ लग रहा है। दूसरी जो मस्जिद है, एक मस्जिद मैंने आपको पहले दिखा दी है जी, इसकी दूसरी मस्जिद है जो यहाँ पे जो है वो बन रही है। तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए क्या है, जिन्होंने घर बनाने हैं स्पेशली उनके लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। इस्लामाबाद शहर के बिल्कुल अंदर CDA सेक्टर I-14 से बिल्कुल साथ ही आपके 5 मिनट पर वॉकिंग डिस्टेंस पर CDA सेक्टर I-14 है, और ये इस्लामाबाद व्यू है जो इसकी आप ये गलियाँ देख रहे हैं। 30 फुट की इसकी ये गली है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सीवरेज सिस्टम यहाँ पे है, आपको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मिल जाती है, वाटर सप्लाई है यहाँ पे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 to 6 मंथ में इस एरिया में जो है वो गैस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये आप इसकी तमाम सीट्स वगैरह देख रहे हैं। प्लॉट्स की कटिंग यहाँ पे, जिस तरह मैं आपको पहले बताया कि 5 मरला 7 मरला 10 मरला यहाँ पे प्लॉट्स की कटिंग है, तो आप यहाँ पे प्लॉट लेके फ़ौरन उसके ऊपर जो है वो घर बना सकते हैं। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अप्रूव्ड है और RDA के अंडर जी आती है, और आपने जो इसका घर का मैप बनाना है, जिस तरह मैंने आपको इंट्रो में बताया कि यहाँ पे जो घर का मैप है वो कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो इस घर का जो मैप है वो उसको पास करेगा, फिर आप यहाँ पे जो है वो घर बना सकते हैं।
तो अभी आपको यहाँ पे जो प्राइस वगैरह चल रही है वो बताता हूँ कि यहाँ पे क्या प्लॉट्स की प्राइस हैं और i14 में क्या प्राइस हैं, उनका कंपैरिजन अभी आपके साथ करते हैं। जी बस आज मैंने आपको संभार व्यू का विजिट करवाया, इसकी सीट्स वगैरह का, इसका रोड का, इसका थोड़ा सा इशू है, जो मसियार रोड से रोड आ रही है वो सारी बनी हुई है, छोटा सा जो पीस है वो रोड जो है इनकम्प्लीट है, वो भी इंशाल्लाह यहाँ पे इंशाल्लाह 5 से 6 महीनों में वो रोड भी यहाँ पे बन जाएगा। अगर प्राइस की कंपेरिजन किया जाए इसके सराउंडिंग में जो हाउसिंग सेक्टर है i14 CDA सेक्टर, तो आप देखें कि i14 में 5 मरले का 2550 का जो प्लॉट है वो आपको 70 लाख रुपए में मिलता है, 70-75 लाख में, जबकि संभार व्यू में आपको 5 मरले का प्लॉट जो है वो 30 से 35-36 लाख रुपए की ब्रैकेट में मिल जाता है। तो इस लिहाज से देखें बिल्कुल एच पे है, आपके सामने ही सारा i14 सेक्टर है, CDA सेक्टर i14 बिल्कुल इसके साथ ही है, और इसके कोने पर जो है आपको संभार व्यू मिल जाती है। 5 मरले का प्लॉट जो है वो 35 से लेके 36-37 लाख रुपये में, जबकि 7 मरले का प्लॉट जो है वो 45-46-48 लाख रुपये में, 10 मरले का प्लॉट जो है वो 65-70 इस ब्रैकेट में जो है वो फॉल करता है। ये डिपेंड करता है प्लॉट की कंडीशन और लोकेशन पे, प्लॉट की अगर गली स्ट्रीट है, अच्छी गली है बनी हुई है वो थोड़ा महंगा होगा, अगर थोड़ी कच्ची होगी जो मेरे नीचे अगर आप देखेंगे, अगर गली थोड़ी सी कच्ची है यहाँ पे प्लॉट जो होगा वो 3-4 लाख रुपये सस्ता होगा, लेकिन ये काम भी है जो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर काम हो रहे हैं, ये काम भी गली वगैरह भी यहाँ पर बन जाएगी। अगर आप इस संभार व्यू में प्लॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर विजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट करके हम आपको इसका विजिट जो है वो अरेंज कराएंगे। तो ये था आज के संभाग व्यू का विजिट, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल MR रहमान को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल MR रहमान को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो रिलेटेड है रावलपिंडी संभाग की प्रॉपर्टी से वो इजीली आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मिर्ज़ा रियाज को इजाज़त दीजिए।